नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तीन ब्रेकआउट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि तीनों कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि फाइनली वो लेवल को कब टच करेगा और कब ब्रेकआउट होगा। तो फाइनली वो घड़ी, वो दिन आ चुके हैं। अभी मुझे लगता है एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा और मैं एक अच्छा खासा टारगेट लेने के लिए इंतजार करूंगा। तो मेरा व्यू क्या है वो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए, पिछले दिनों में जितने सारे डिफेंस कंपनी है सारे कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिला, क्योंकि बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे दिया गया मेजोगन डक शिप बिल्डर्स को। तो जिसके चलते है सिर्फ मेजोगन डक शिप बिल्डर्स नहीं, बाकी कंपनीज को भी ऑर्डर्स मिला और जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी और ग्रोथ भी देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे कंपनी के ऊपर पिछले दिनों के न्यूज़ आने के बाद ही शेयर में देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया। अभी जो मुझे लेवल चाहिए था फाइनली वो लेवल मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे इंतजार कर इतने दिनों से करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बना था और मैंने आपको वीडियो बना के पहले भी शेयर किया था कि इस तरीके से जब भी कोई बाइंग रेंज बने तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि नीचे आने के लिए, मतलब इस तरीके से रेंज को आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है क्या सही में इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में दम है। मैं अगर बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊँ तो उसके लिए एक अलग वीडियो करना पड़ेगा। अगर आप डिटेल्स में अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको बैक टेस्टिंग चाहिए। सिर्फ आप बैक टेस्टिंग करके लिख के दीजिए, मैं बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और किस बेसिस में मैं प्रीवियस एंट्री भी लिया था, किस तरीके से मुझे टारगेट भी मिला, कितने दिन में मिला, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा उस वीडियो के अंदर। तो कंपनीज़ के ऊपर देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक रेंज क्रिएट किया करीबन 35% के आसपास। तो मैं इंतजार किया कि इस रेंज के अकॉर्डिंग जब नीचे आएगा, नीचे मतलब कितना है 4,202 रुपीज़ के आसपास ये इस कंपनी का लेवल बना था। तो इस लेवल को जब टच किया तब मैंने क्या किया, पोजीशन लिया और पोजीशन लेने के बाद देखिए कुछ दिन होल्ड किया और उसके बाद फाइनली हाई वॉल्यूम के साथ लास्ट 2 डेज में अच्छा खासा बाउंस बैक किया। तो इसी तरीके से अगर बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है और जो रेंज निकल का आया है करीबन 5,875 रुपीज़ के आसपास, तो कंपनी अच्छा खासा एक टारगेट को भी अचीव करेगा। तो एंट्री लेवल और टारगेट लेवल तो क्लियर हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी भी देखने को मिलेगा और मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे करके दिखाएगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखता हूँ, पहले देखता हूँ कि कंपनी का फाइनेंशियल क्या ठीक ठाक है। देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग हो रहा था मार्च क्वार्टर तक, उसके बाद जून के जो क्वार्टर हुआ है वहाँ पर कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। देखिए, सिर्फ यही कंपनी का सेल्स डाउन नहीं हुआ, अगर आप सारे डिफेंस कंपनी को देखेंगे तो एक एक करके देखेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर ऑलमोस्ट सेल्स डाउन है। उसके साथ साथ प्रॉफिट भी डाउन होगा, क्योंकि सेल्स के कारण प्रॉफिट तो डाउन होना चाहिए, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है, उल्टा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, 627 से 666 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप और पॉजिटिविटी देखने को मिले है। बाकी मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर दो चीज़ों को आपको याद रखना होगा, इस कंपनी के ऊपर खासियत पॉइंट यही है कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, जो पहले होल्डिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा था। दूसरी बात, प्रोमोटर के पास जो 84% होल्डिंग है, इसके कारण इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर निवेश करता नहीं है, फिर भी FIIs ने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब तक माल नहीं बेचेंगे तब तक प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन बाई नहीं करेगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि प्रोमोटर क्यों माल बेचे, क्योंकि देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 84%, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 9% के आसपास होल्डिंग ज़्यादा प्रोमोटर के पास है। तो इसको आज नहीं तो कल तो बेचना पड़ेगा, तो जब बेचेंगे तो सेम टू सेम इसका भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे सेम आप देखेंगे कि आप RVNL को देख लीजिए, तो मैं एक बार RVNL आपको दिखाता हूँ, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ईयर बेसिस बात करो, देखिए 100% होल्डिंग था, उसके बाद देखिए कितना हुआ, 78%, उसके बाद कम होकर 72% हो गया। उस तब देखिए पहले FSDS के पास होल्डिंग्स ना के बराबर थे, आज देखिए होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन तब उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा बाई करते हैं जब उस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर खुद की हिस्सेदारी को सेम फिगर आउट में लेके आते हैं जो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है BEML। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
तो बीएमएल का सेम टू सेम हालत है, इसका भी सेम टू सेम इंतजार कर रहा था, फाइनली उसका भी एक लेवल मिला, क्योंकि लेवल जो मिला है बहुत स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रिएट हुआ बाइंग का रेंज, तो टोटल जो बाइंग का रेंज बने वो 21% एटलीस्ट 21.97% के आसपास है, तो ऑलमोस्ट मैं 21.5% के आसपास मैं जरूर कहूँगा। तो इस तरीके से जब भी रेंज बने उसके अकॉर्डिंग जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री। तो फाइनल नीचे लेवल एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद देखिए कुछ दिन यहाँ पे होल्ड कर रहा था, और हमको आपको मैं ये भी बताया कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अगर कोई भी स्टॉक हो तो वहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में न्यूज़ अच्छे आए तो जिसके चलते फिर से बाउंस बैक करना शुरू कर चुके हैं, और अगर इस करंट लेवल तक मतलब इस एंट्री लेवल से 3914 लेवल से अगर स्टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 4800 के आसपास जाने का चांसेस है। देखिए जाने का चांसेस है ये मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं मेरे व्यू दिखा रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो इस सारी चीज़ों का आपको खुद को एनालिसिस करना होगा, एक बार आपके सेबी एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना होगा। तो देखिए बीएमएल के ऊपर क्या सचमुच में दम है आगे बढ़ने का, उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिफेंस सेक्टर हर कंपनीज के ऊपर लास्ट क्वार्टर में कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा, हर डिफेंस सेक्टर के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए यहाँ पे तो उल्टा हो गया, कंपनी इतने दिनों से जो प्रॉफिट कर रहे थे अचानक कंपनी प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। तो जो कंपनी प्रॉफिट नेगेटिव में है क्या उसके ऊपर काम करना चाहिए, आपको ये देखना है कि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक है, एक क्वार्टर्स में प्रॉफिट लॉसेस में चला गया, इसको देखकर हैरान मत हो जाना, आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डेटा तो देखना पड़ेगा। ऐसे आप देखेंगे कंपनी TTM रिटेल टू मंथ में कंपनी 8% का ग्रोथ किया, और TTM प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ 73%। सेल्स का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट इस बार देखने को मिले, प्रॉफिट का ग्रोथ भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिले। तो सोचिए जब कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट पॉजिटिव है, हाई है, तो उसमें टेंशन होने वाला भला कोई बात ही नहीं है, कंपनी फिर से रिकवरी और बाउंस बैक जरूर करने का कोशिश करेंगे। बाकी देखिए मार्केट तो रिक्सी होगा ही, मार्केट में कोई भी 100% गारंटी होता नहीं है कि जो लेवल बना है, जो टारगेट, जो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में कोई भी पैटर्न्स बना है तो वो 100% आपको प्रॉफिट देगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। मैं आज तक तो मुझे भी नहीं मिला कि 100% प्रॉफिट मिला। हाँ कुछ कंपनी आपको प्रॉफिट तो देगा मगर टाइम लगाएगा, मान के चलिए जो प्रॉफिट शायद आपको 2-3 मंथ के अंदर अंदर ही मिलना चाहिए था वो आपको शायद 1 साल के बाद मिले, तो आपको उस लेवल तक इंतजार करना पड़ेगा अगर कंपनी में दम है तो। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस कंपनी के मैं एक बार इन्वेस्टर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए FIS और DS के पास जो 5-5.5% होल्डिंग था वह 6% के आसपास हो चुके हैं, DS के पास जो होल्डिंग था वो 18% के आसपास होल्डिंग था, और 18% से 20% तक होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिले। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो बना है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और एक चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। बहुत दिनों के बाद एशियन पेंट के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला, एक जंप देखने को मिला, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ जिस रेंज को फॉलोअप करके मैं काम कर रहा हूँ, जिस रेंज के बेसिस में मैं काम कर रहा हूँ, उस रेंज में जब एंट्री हुआ था तब मैंने आपको पॉजिटिव डिसीजन बताया कि मैं इस एंट्री लेवल से मतलब करीबन 2858 लेवल से मैं इंतजार करूँगा टॉप लेवल तक मतलब 3561 लेवल तक। मैं ऐसे काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इस लेवल तक क्यों इंतजार करूँगा, अगर मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो मेरा एंट्री एक्चुअली 20% के आसपास है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि कोई भी कंपनी, कोई भी लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी टॉप लेवल से इसका लाइफ टाइम हाई से अगर 20% गिरे तो उस जगह पे मैं एंट्री लूँगा, और उसके बाद मैं फिर से उसको 20% टारगेट तक इंतजार करूँगा। तो फाइनली जब जब नीचे आए, देखिए एक बार नहीं बहुत बार नीचे आए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किए थे और यहाँ पे फिर से एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बने, सपोर्ट भी बने, और यहाँ पे भी सपोर्ट है, फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से सपोर्ट है, मतलब बार बार वो एक ही जगह पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते चले गए। इस बार फिर से 20% जब क्रैश हुआ तो यहाँ पे एंट्री बने, और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और एक ट्रेन लाइन जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था, एक स्ट्रांगली जो ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस लेवल को भी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट भी किया। अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वो बाउंस बैक कर सकता है। तो एशियन पेंट के ऊपर
इतना क्या पॉजिटिव न्यूज आया जिसके चलते कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को शुरू हो गया। देखिए उसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। एशियन पेंट, आप खुद ही देख सकते हैं, सिर्फ एशियन पेंट नहीं, इंडिगो पेंट, एशियन पेंट, बार्जर पेंट, सारे कंपनीज के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला इसी कारण के वजह से, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल का प्राइस प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा गिर चुके हैं। तो जब भी कोई कंपनी के क्रूड ऑयल का प्राइस सॉरी कोई भी क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ग्लोबली लेवल में करेक्शन हो जाए, डिक्लाइन हो, तो सबसे ज़्यादा फायदा क्रूड ऑयल से बना, मतलब जो जो कंपनी क्रूड ऑयल को सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं तो उस कंपनी को फायदा होगा। जैसे पेंट सेक्टर, पेंट बनाने के लिए क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसीलिए क्रूड ऑयल का गिरने के कारण शेयर में जाम देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा, सारे कंपनीज के ऊपर वेरीफाई करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड जो 10,000 करोड़ की कंपनी है, इस कंपनी के एक साल में अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को मिला। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, वो है देखिए कंपनी लगातार डिविडेंड तो देते रहते हैं, कंपनी इस बार 1:1 का बोनस यहाँ पे इशू करने जा रहा है। तो इसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया, बता जा रहा है कि सितंबर के अंत में ही इसका डेट आ जाएगा, तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा और जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।